हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एग्जाम नीति, सही नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौर के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और अब जब आपने बीड़ा उठा ही लिया है स्पोकन इंग्लिश सीखने का, वादा कर ही लिया है खुद से, तो क्यों ना अच्छी वोकैबुलरी के साथ, अच्छी ग्रामर के साथ, सटीक शब्दों के साथ अपनी बातों को और ज्यादा इंप्रेसिव वे में किया जाए। इफ यस, अपने आप से प्रॉमिस कर चुके हैं, अपने आप को एक वादा दे चुके हैं, तो फिर आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है, क्योंकि आज हम सीखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। चाहे आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो, और साथ ही साथ कि उसको याद किस तरीके से किया जाए। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरीज हैं, बहुत ब्यूटीफुल ट्रिक्स हैं, जिनके थ्रू आप इतने टिपिकल वर्ड्स को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, और जब आप इन्हें बोलेंगे तो चार लोग सुनते रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो देखिए, जितने लोग वीडियो देखा करिए लाइक जरूर कर दिया करिए टीचर की मोटिवेशन के लिए। आज की क्लास का पहला वर्ड हसमुख। आप क्या बोलोगे इस वर्ड को? जनरली मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है जॉली नेचर का है, बहुत जॉली नेचर का है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे हैप्पी, लेकिन हैप्पी तो गलत चीज है, हैप्पी तो अभी मैं खुश है, लेकिन जो हसमुख है ही, जिसका नेचर ही, व्यक्तित्व ही ऐसा है, तो लोग उसके लिए एक वर्ड बोलते हैं क्या, चीयरफुल। क्या बोल देते हैं? चीयरफुल। चलो इससे याद आया कि जिन भी शब्दों के आखिर में एफ यू एल फुल लगा होता है, वो सारे शब्द एडजेक्टिव होते हैं। इससे मुझे इतनी बात तो याद आ ही गई है। नेक्स्ट पे मैं बात करूं, लेकिन अगर हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एब्यूलियंट। क्या बोलेंगे बेटा? एब्यूलियंट बोलेंगे। देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है बुल। बुल मतलब बैल, बैल बुद्धि का आदमी है, बस खुश रहता है, अपने में मगन रहता है, उसे दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। बैल बुद्धि का आदमी है, अपने अपने आप में मगन रहता है, खुश मिजाज, हसमुख। ठीक, याद करने का एक तरीका मैंने बताया, एक स्टोरी मैंने बताई, एक छोटी सी कहानी मैंने बताई। आई होप इस कहानी ने आपकी हेल्प करी है। सो एब्यूलियंट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, ये भी एक एडजेक्टिव होता है। क्लियर हो गया? जल्दी से अगर ये वर्ड आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए फीड हो गया है, तो इस वीडियो को तुरंत से थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है किसी चीज को 110% पुष्ट कर देना, कंफर्म कर देना कि आज जो बोला है वो तो 110% सही ही है। तो पुष्ट करने के लिए आप लोग एक कॉमन सा वर्ड बोलते हो, और वो क्या बोलते हो? वो बोलते हो कंफर्म। यही बोलते हो ना कि उसने कंफर्म कर दिया है कि वो पार्टी में आएगा, उसने कंफर्म कर दिया है कि वो एसएससी का एग्जाम देगा, उसने कंफर्म कर दिया है कि वो स्पोकन इंग्लिश बोल के ही रहेगा। क्लियर? लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल सा वर्ड होता है कोरोबरेट। बेटा क्या होता है कोरोबरेट? एक वर्ड होता है, क्लियरली इसका मतलब होता है कि कंफर्म करना, पुष्ट करना। देखो ध्यान से देखना, याद करना, बता रही हूं। कार रखी हुई है बहुत सारी, कार रखी हुई है किसमें? बोरे में भरी हुई। और ऐसा किसने कंफर्म किया? बोरा में भरी हुई कार रखी हुई है। और ऐसा किसने कंफर्म किया? पुलिस ने कंफर्म किया है कि पूरा बोरा भर के कार्स मिली है, कोरोबोरेट। ठीक, कोर्स जो है, कार जो है, वो भरी हुई है पूरे के पूरे बोरा में, ऐसा कंफर्म कर दिया, ऐसा पुष्ट कर दिया। आई होप इस कहानी के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी, यू ऑल्सो नाउ लर्न्ड दिस वर्ड। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव सदमा। अचानक से हमें बहुत ज्यादा शॉक लगता है, झटका लगता है। कॉमन सा वर्ड दैट यू यूज इज शॉक, राइट? बट नाउ अब आपको अपनी वोकैबुलरी चेंज करनी होगी, यू हैव टू चेंज योर वोकैबुलरी। तो फिर इसको हम कहते हैं डिसमे। क्या कहते हैं बेटा? डिसमे कहते हैं। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए, सिचुएशन, व्हेन द सिचुएशन इज क्वाइट इंटेंस, वेरी डिस्ट्रेसिंग एंड वेरी सैड, देन इन दैट केस व्हाट वर्ड डू यू यूज? यू यूज डिसमे। ऐसी सिचुएशन में आप जो वर्ड यूज करते हो उसे बेटा कहते हो डिसमे। क्लियर? याद करने का तरीका, दिस कर लेना दिस, और मे मतलब मई का महीना, दिस मे। ये मई का महीना तो भाई सदमा देके गया, शॉक देके गया, कितनी गर्मी है, हाउ हॉट इट इज, कितनी गर्मी है।
सो दिस मे इज क्वाइट क्वाइट अनप्लीजेंट. ये मई का महीना बहुत ज्यादा शॉकिंग है, बहुत सदमों से भरा हुआ है. आई होप अब आपको ये वर्ड हमेशा के लिए याद हो गया है. इफ यस, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो. ठीक है, चलो नोट्स बनाते चलना, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो लास्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट आता है लड़ाकू. एक व्यक्ति, द वन हु टेंड्स टू फाइट, द वन हु टेंड्स टू गेट इनटू द आर्ग्यूमेंट्स, जिसकी आदत होती है हर समय लड़ते रहने की. जनरली आप ऐसे इंसान को या तो क्वेरलसम कह देते हो, है ना, अग्रेसिव कह देते हो, या फिर है ना, जब आपको लगता है कि आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो तब आप कह देते हो अग्रेसिव. लेकिन नहीं, हम क्या बोलेंगे अच्छी इंग्लिश में, ब्यूटीफुल इंग्लिश में, इसके लिए एक वर्ड बना हुआ है, दैट इज बेलिजरेंट. बेटा क्या बोलेंगे? बेलिजरेंट. याद करने का तरीका, हाथ में हमेशा बेली लेकर खड़ी रहती है लड़ने के लिए, पैरों में पहनने वाली जूती बेली, हमेशा बेली लेकर खड़ी रहती है लड़ने के लिए तैयार. भाई बहुत लड़ाकू है, शी इज क्वाइट क्वारलसम, शी इज क्वाइट अग्रेसिव, शी इज क्वाइट बेलिजरेंट. शाबाश, शी इज क्वाइट बेलिजरेंट. क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अगले वर्ड की तरफ आते हैं, खतरनाक. भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, ये बहुत खतरनाक है. आई वोंट डू दिस वर्क इज क्वाइट टफ, और दिस क्वाइट इज फुल ऑफ, दिस वर्क इज फुल ऑफ रिस्क, मैं नहीं करूंगा, आई वोंट डू इट. तो आप इसके लिए एक वर्ड यूज करते हो बहुत सिंपल सा, डेंजरस. क्या यूज करते हो? डेंजरस. कुछ लोग डेंजरस यूज नहीं करते, तो वो क्या यूज करते हैं? रिस्की, है ना. चलो डेंजरस से याद आया, एवरी दैट वर्ड विच हैज ओ यू एज इट्स सफिक्स, हर वो शब्द जिसकी ओ यू एस सफिक्स होती है, उस वर्ड को हम बेटा एडजेक्टिव कहते हैं. वी कॉल दैट वर्ड एज एन एडजेक्टिव. क्लियर? तो अभी अच्छी इंग्लिश में खतरनाक को डेंजरस नहीं कहते, बल्कि मिनिसिंग कहते हैं. क्या कहते हैं? मिनिसिंग कहते हैं. जब आप लेटर टू एडिटर लिखते हो, जब आप लेटर लिखते हो किसी हायर अथॉरिटी को, गवर्नमेंट किसी ऑफिशियल को, तो वहां पर आप ये वर्ड यूज करते हो मिनिसिंग. कहता ना, मिनिसिंग कंडीशन हो गई है हमारी स्ट्रीट की. ठीक है, शाम को ईवटीसिंग के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो आप इसको याद रख सकते हो मीना सिंह. मीना सिंह ऐसे याद रख सकते हो, मिनिसिंग लिखा हुआ है ना, मीना सिंह बहुत ज्यादा डेंजरस है. शी इज क्वाइट क्वाइट डेंजरस, शी इज वेरी रिस्की, शी इज वेरी मिनिसिंग. कौन? मीना सिंह. आई होप आज के बाद चाहे आप कुछ भी भूलो, अपना नाम भूलो, पर ये वर्ड तो कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि मीना सिंह बहुत खतरनाक है. आई होप दिस वर्ड इज नॉट क्लियर. एवरीवन डू हिट अ लाइक बटन, जल्दी से लाइक बटन हिट कर दो, क्योंकि आप वीडियो लगातार देख रहे हो, जल्दी से लाइक बटन हिट करो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड आता है अंतर्निहित. जो अंदर से है आपके, आपके खून में है, और अब आपसे बदला नहीं जा सकता. कोई कोई आदतें होती है ना, एकदम डाई हार्ड आदतें होती है, मतलब डिफिकल्ट टू चेंज द हैबिट्स दैट यू फॉर्म्ड बचपन से, एंड देन यू जस्ट कांट चेंज देम. उन हैबिट्स को आप जनरली क्या बोलते हो? आप बोलते हो एस्टेब्लिश्ड है, दीज हैबिट्स आर एस्टेब्लिश्ड नाउ. ये आदतें अब एस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं, अंतर्निहित हो चुकी हैं, इनको बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है. इट्स वेरी डिफिकल्ट या इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू चेंज देम, है ना. लेकिन इनके लिए बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल सा वर्ड है, इनग्रेन्ड. इनग्रेन्ड, क्लियर? याद करने का तरीका, इन मतलब में और ग्रेन्ड मतलब अनाज, ग्रेन मतलब अनाज, अनाज में. ये तो मैं अपने अनाज में ही जो खाऊंगा वैसा ही तो बनूंगा, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन. क्लियर? यही कहा जाता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि सात्विक भोजन करना चाहिए. सो यस, इन ग्रेन, ये मेरे अनाज में है, मेरे खून में है, अंदर से है, अंतर्निहित है, अब मैं इसे नहीं बदल सकता. नाउ आई कैन नॉट चेंज इट. क्लियर हो गया बेटा? याद करने का तरीका, ग्रेन में, अनाज में, जो मैं खा रहा हूं, मेरे अंदर जा रहा है, मेरे अंदर निहित है. राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. ये इंसान कैसी बातें करता है? सीधी बात तो कभी करता ही नहीं है. दिस पर्सन डज नॉट टॉक क्वाइट क्लियर, ही इज ऑलवेज अनसर्टेन, ही ऑलवेज टॉक्स वेगली, कुछ भी बोलता रहता है. तो आप गोल मोल के लिए जो वर्ड यूज करते हो, बहुत सिंपल सा वर्ड बोलते हो, इनडेफिनेट बातें करता है. ठीक है, अनक्लियर बातें करता है, साफ साफ नहीं बोलता, अनक्लियर बोलता है, आधा अधूरा बोलता है, ऐसे बोलोगे ना. लेकिन गोलमोल को
यानी कि जिसके कई अर्थ निकलते हैं, एक बात के बहुत सारे मीनिंग जब निकले तो बेटा उस वर्ड को कहते हैं इक्विवोकल। क्या कहते हैं? इक्विवोकल। अब ध्यान से देखना जो मैं समझाऊंगी। वोकल मतलब होता है जो बहुत ज्यादा कैंडिड होता है, फ्रैंक होता है, आउटस्पोकन होता है, जिसे कहते हैं वाचाल, ठीक है, बहुत मुखर, एकदम मुखर इंसान, वोकल, ठीक। और इक्वी मतलब द सेम, द सेम, बराबर का, इक्वल, है ना। इक्वी मतलब इक्वल, इक्वली बहुत सारी बातें कर रहा है व्यक्ति, बहुत वोकल हो रहा है, आउटस्पोकन हो रहा है, वसीफरस हो रहा है, लेकिन उसकी सारी बातों का एक ही मतलब निकल रहा है, यानी कि अनेकार्थी बातें कर रहा है, वो व्यक्ति काफी ही एम्बिगुअस है, वो व्यक्ति काफी ही एम्बिगुअस है। ये भी एडजेक्टिव होता है, इक्विवोकल भी एडजेक्टिव होता है, और इंडेफिनिट भी एडजेक्टिव होता है। क्लियर बेटा? एम्बिगुअस मतलब बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, एक स्पष्ट मीनिंग नहीं निकलता है। इक्वी मतलब एक जैसी, वोकल मतलब बहुत सारी बातें, ठीक है, वो व्यक्ति जो बहुत सारी बातें करता है, बहुत ज्यादा वाचाल होता है, बहुत ज्यादा मुखर होता है, वसीपरस भी कहते हैं। तो जो व्यक्ति एक जैसी बहुत सारी बातें कर रहा है, तो वो कैसी बातें कर रहा है? गोल 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 गोल, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं बेटा इक्विवोकल। क्या कहते हैं? इक्विवोकल कहते हैं। इक्विवोकल जो है, तो इक्वी एक रूट वर्ड है, याद कर लेना, इसका मतलब होता है द सेम, यानी कि इक्वल। यहीं से बहुत सारे वर्ड बने, यहीं से बना है इक्विटी, यहीं से बना है इक्विनॉक्स, यहीं से बना है इक्वानिमस, बहुत सारे वर्ड यहीं से बने, इक्वानिमिटी, यहीं से वो वर्ड बने हुए हैं, और कोई वोकल। क्लियर? चलो अभी अगला वर्ड है गूर। ये जो बातें करता है समझ में नहीं आती, बहुत अंदर तक गहराइयों में ले जाता है, बहुत ही ज्यादा इसकी बातों का जो मीनिंग होता है, या जो साधु गुरु कहते हैं, वो सीधे समझ में नहीं आता है, उनकी बातें काफी गहरी होती हैं। तो गहरी मतलब गूढ़, और गूढ़ के लिए तो एक सिंपल सा वर्ड आप बोल दे तो भाई बहुत डीप बातें करता है ना, उसकी बातों का ही हैज क्वाइट डीप मीनिंग्स, व्हेन ही टॉक्स ही हैज क्वाइट डीप मीनिंग्स, तो उसकी बातों में काफी डीप मीनिंग होता है। लेकिन उसके लिए बेटा एक वर्ड बना हुआ है, क्या बना हुआ है? एसोटेरिक। क्या बना हुआ है? एसोटेरिक। देखिए अब इसको याद करने का तरीका, ऐसी तेरी बातें हैं, ऐसी तेरी बातें हैं जो बहुत डीप है रे, एसोटेरिक, ऐसी तेरी बातें हैं जो बहुत डीप है रे, बहुत गूढ़ है, मुझे इजीली समझ में नहीं आती। एसोटेरिक, मिस्टीरियस, बहुत गूढ़, बहुत डीप में जाके समझना पड़ता है। क्लियर? एसोटेरिक, ऐसी तेरी, एसोटेरिक, ऐसी तेरी। चलो तो आई होप आपको यहां तक ये वर्ड्स समझ में आए हैं। अभी अगर ये वीडियो क्लियर हो रहा है, वर्ड्स क्लियर हो रहे हैं, तो जल्दी से डू हिट अ लाइक बटन, जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दो, ठीक। कमेंट करके बताया करो कि आपको सेशन में मजा आया या नहीं आया। नेक्स्ट आता है मुक्त करना, ठीक है, किसी व्यक्ति को उसकी ड्यूटी से मुक्त कर देना, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई इल्जाम लगाया उसे उसके इल्जाम से बरी कर देना, कुल मिला के उसको फ्री कर देना, ठीक है, सिंपल सा वर्ड आप बोलते हो, फ्री कर देना, रिलीज कर देना, है ना। कुछ लोग जो थोड़ा ज्यादा इंग्लिश जानते हैं वो कहते हैं इल्जाम से मुक्त करने को अब्सॉल्व कहते हैं, अब्सॉल्व कर देना, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ ठीक है, बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो जो ट्रूली इसी के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड बना है, दैट इज एग्जोनरेट। क्या बना हुआ है? एग्जोनरेट, ठीक। अब देखो एक्स ऑन रेट, ठीक, जो एक्स है यानी कि लक कुल्हाड़ी है, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, ठीक, ये कुल्हाड़ी ऑन मतलब पर, रेट मतलब पैसे पर, ये कुल्हाड़ी पैसों पर बिक रही थी लेकिन हमने फ्री में खरीद ली, हमने फ्री में खरीद ली, एक्स ऑन रेट, ठीक। याद करने का तरीका ए एक्स ई एक्स, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, ऑन मतलब पर, रेट मतलब पैसा, तो एक्स ऑन रेट। याद करने के लिए एक स्टोरी बता रही हूं, दैट एक्स वाज ऑन रेट बट वी बॉट इट फॉर फ्री, लेकिन हमने उसको फ्री में खरीद लिया, दैट इज
एग्जोनरेट, मतलब किसी को मुक्त कर देना उसकी ड्यूटीज से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, उसके ऊपर कोई इल्जाम लगाया तो आपको उसको अब्सॉल्व कर दिया, तो भी आप उसको एग्जोनरेट कर दो। क्लियर? चलो जल्दी से कमेंट कर दो कि मैम समझ में आ रहा है। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे ना, मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको मुझसे क्या पूछना है, आपको कौन सा वर्ड समझ में आया, क्या कंफ्यूजन हुआ। कोई भी कंफ्यूजन है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ये रहा टेलीग्राम चैनल का लिंक। अभी भी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो आज और इसी पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का लिंक ये रहा आपकी स्क्रीन पर, youtube.com/examneeti। नेक्स्ट पर आते हैं, वो व्यक्ति जो जरा जरा सी बातों पे अकड़ जाता है, घमंड दिखाने लगता है, चिढ़ जाता है, बहुत तुनक मिजाज व्यक्ति होता है, उसको हम नॉर्मली क्या कह देते हैं? एरोगेंट कह देते हैं। काफी एरोगेंट है ना। जो थोड़ी अच्छी इंग्लिश जानते हैं वो कह देते हैं काफी फसी है, हमेशा फंसा रहता है, अपने दिमाग में अपनी पर्सनैलिटी का उसने एक जाल बना लिया कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। काफी घमंडी है, फसी है, हर समय फंसा रहता है इन सब बातों में। लेकिन इसके लिए एक बहुत ब्यूटिफुल वर्ड है, एंड दैट वर्ड इज, बोलो मेरे साथ, दैट वर्ड इज फास्टीडियस, राइट? सो यस, द वन हु शोज, हु इज क्वाइट बैड टेम्पर्ड, हु इज क्वाइट क्विक टेम्पर्ड, हु इज क्वाइट एरोगेंट, इज कॉल्ड एज फास्टीडियस। व्हाट इज दैट पर्सन कॉल्ड? फास्टीडियस। सो यस, फास्ट रख रख के, व्रत रख रख के वो व्यक्ति बहुत ज्यादा फसी हो गया है, एरोगेंट हो गया है, फास्ट रख रख के, फास्टीडियस, ठीक? या वो बहुत फास्ट फास्ट रिप्लाई करता है तो इस बात का वो काफी घमंड करने लगा है, तुनक मिजाज हो गया है क्योंकि वो बहुत फास्ट फास्ट रिप्लाई करता है, ठीक? फास्ट, फास्टीडियस, फास्टीडियस, फास्ट रखने की वजह से बहुत भूखा रहता है, इसलिए पूरे दिन में चिड़चिड़ा हो गया, तुनक मिजाज हो गया है। या फिर आप बोल सकते हो कि फास्ट रख रख के फंसी हो गया है। क्लियर? आई होप इस सेशन में आपको बहुत मजा आया। इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम लिंक को प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? यहां पर आप क्लिक कीजिए, ज्वाइन करिए चैनल, यहां से आप इस क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। हर प्रैक्टिस क्लास के लिए हम लोग मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे हमेशा यूट्यूब पर, ये रहा यूट्यूब का लिंक। फेसबुक पर मैं दो टाइम लाइव होती हूं, एक दोपहर में 12 बजे प्रैक्टिस क्लास के लिए और एक शाम को 7 बजे मेन क्लास के लिए। स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। आप भी आइए, एंजॉय कीजिए, कुछ सीखिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। अच्छा, कार्पेडियम।